हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ओप्पो मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, जैसे ही स्विच ऑफ खोलते हैं तो उसका लोगो आता है और वहीं पर रुक जाता है या फिर बंद हो जाता है लेकिन चालू नहीं होता है, तो कैसे इसे 100% ठीक करें। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के पावर बटन को, जिससे आप मोबाइल को लॉक करते हैं, और वॉल्यूम डाउन बटन को, जिससे आप आवाज़ को कम करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ 15 सेकंड तक दबा के रखना है। एक से दो बार दबा के रखना तो आपका फ़ोन रिबूट या रिस्टार्ट हो जाएगा और स्विच ऑन हो जाएगा 100%। और गाइस, अगर इस तरीके से नहीं होगा तो फिर क्या करना है आपको? दूसरा तरीका यह है कि मोबाइल के पावर बटन को दबा के रखना है, जिससे मोबाइल को लॉक करते हैं, और वॉल्यूम अप बटन को, जिससे मोबाइल के आवाज़ को बढ़ाते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ 15 सेकंड तक दबा के रखना है। फिर आप चेक करना 15 सेकंड में कि चालू हो रहा है कि नहीं। चालू हो जाएगा, रिबूट या रिस्टार्ट आपका फ़ोन हो जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, चालू नहीं हो रही है मोबाइल, तो फिर तीसरा तरीका क्या है, मोबाइल के पावर बटन को दबा के रखना, जिससे मोबाइल को लॉक करते हैं, और मोबाइल के दोनों बटन को, जिससे आवाज़ कम और ज़्यादा करते हैं, इन दोनों बटन को और पावर बटन को, तीनों बटन को दबा के आपको एक साथ 15 सेकंड तक रखना है। 15 सेकंड तक तीनों बटन को जैसे दबा के रखेंगे तो आपका फ़ोन रीबूट या रीस्टार्ट हो जाएगा और आपका फ़ोन स्विच ऑन हो जाएगा। तो गाइस, जैसे आपका फ़ोन स्विच ऑन हो जाए, फिर आप अपने फ़ोन को चेक कर लेना कि चार्ज है कि नहीं, चार्ज नहीं रहेगा चार्ज कर लेना, फिर आप उसे यूज कर सकते हैं और टाइम टाइम से अपने मोबाइल को रीबूट या रीस्टार्ट कर लेना। जैसे कि रीबूट या रीस्टार्ट कैसे करेंगे, अपने मोबाइल के पावर बटन को दबा के रखेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो रीबूट या रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम रहते हैं सब यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।